गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बड़े लोगों को पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज मेरा काम स्टार्ट हुआ सुबह 5 बजे से, और 5 बजे से स्टार्ट उठते ही मुझे लेकर निकलना पड़ा स्कूटी को बाहर, और खुशी को साथ में लेके जाना पड़ा। तो मॉर्निंग में मुझे निकलना पड़ा खुशी के लिए पेड़ ढूंढने, क्योंकि स्कूल में इनके मंगाए थे पेड़, तो दोनों के लिए पेड़ लाने जाना पड़ा। तो सुबह सुबह मैं निकल गई नर्सरी पे, तो पहली नर्सरी बंद थी, तो दूसरी नर्सरी पे मैं पहुंची। वहां मुझे मिला आग का पेड़ जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। उसके बाद मैं फटाफट घर आई और मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि इनको स्कूल भी जाना था। तो मैंने सब्जी और रोटी फटाफट बनाई, इसमें हस्बैंड जी ने मेरी बहुत हेल्प करी। और उसके बाद मैंने इनका टिफ़िन भी रेडी करा। फटाफट इनका टिफ़िन रेडी करने के बाद मैंने हस्बैंड जी को भी नाश्ता लगा के दे दिया था, क्योंकि उन्हें भी जाना था। उसके बाद मैं आज फिर वो लोग जा रहे थे तो मैंने उन्हें देखा और वो चले गए थे। उसके बाद गाइज़ ये कल मैंने पेंटिंग करी थी, इसमें ये एक मैंने, दो मैंने करी है छोटी, एक मेरी फ्रेंड ने करी है और एक मेरी बेटी ने करी है। बताना कैसा लगा। उसके बाद आज मैं लग गई अपने पौधों में, क्योंकि बहुत दिनों से इन पौधों में छटाई भी करनी थी, जो सूख रहे थे उनको निकालना भी था, गुड़ाई भी करनी थी और इनकी सफाई भी करनी थी। तो आज मैं सुबह सब कुछ छोड़ने के बाद सबसे पहले मैंने आज अपने सही करे पौधे। तो मैंने अपने पौधों को सारा निकाला ऊपर से, जितने भी ऊपर रखे थे, क्योंकि इसमें ना क्या हो गया था, पौधे ना कुछ सूख रहे थे, वो सूखने की वजह से ना फिर दूसरे भी मुरझा रहे थे और कुछ ज़्यादा लंबे हो रहे थे, तो उनकी कटिंग करी मैंने। कटिंग करो ना तो बराबर ग्रोथ आती है और फ्लावर भी अच्छे अच्छे खिलने लग जाते। तो मैंने कुछ पौधों की कटिंग करी, किसी में कीड़े लग रहे थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने सारे पौधों को इनके जगह पे रख दिया था, पूरा साफ़ करके इनको इनकी जगह पे लगा दिया। और ये देखिए, एक बराबर में सारे पेड़ पौधे लग चुके थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ जो अंदर थे उनको मैंने बाहर किया, और जो बाहर के कुछ दो तीन पूजा कर ली है। तो उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा कर ली, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो गाइस, बाहर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उनको मैं अंदर ले आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे तह करने थे। आज झाड़ू पोछा मेरा मैंने कर लिया था मॉर्निंग में ही, तो उसके बाद मैंने कहा आज इनको कपड़ों को सारे तह करके इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं हो रहा था और बे टाइम बारिश हो जा रही थी, तो कुछ कपड़े गीले रह जा रहे थे तो सूख रहे थे। तो मैंने कहा पहले इनको तह करूँ, तो मैंने सोफ़े कवर, बेड शीट सब धो डाली थी, पर्दे भी धो दिए थे। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, तो मैंने आज पूरे उसमें कपड़े ही आज धोए हैं और तह करे हैं। आज मेरा काम ही कपड़ों का था सारा सा, तो मैं फटाफट अपने कपड़े तह करने लगी। तो मैं फटाफट इतने कपड़े कर चुकी थी, और मैं ले आई थी बाहर से बेडशीट निकाल के, और कुछ ना गंदे हो रहे थे अलमारी में, तो मैं वो भी ले आई थी
इसीलिए आपको इतने सारे लग रहे हैं। और मैंने फटाफट अपनी अलमारी भी आज रेनोवेट करी, अलमारी को भी अच्छे से अपने कपड़े सब अच्छे तरीके से रखे। उसके बाद वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैं तो यहाँ पे कपड़े तहे कर रही थी, तो आज मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्कूल वाले भी बच्चों को कह रहे थे कि हर एक बच्चा तो पौधे लेकर आएगा, तो स्कूल में तो कितने सारे बच्चे होते हैं ना, तो अगर हर एक बच्चा भी पौधा लगाएगा, वो भी पौधा मतलब मीन्स कि पेड़ लगाने हैं, छोटे प्लांट्स नहीं लगाने, पेड़ लगाने, तो अच्छा लगा स्कूल का ये चीज़ें भी। और बच्चे सीखेंगे भी, तो बच्चे बहुत खुश थे कि हम अपना एक पौधा लगाएंगे और उसको हमें ही देखना है, मैम ने बोला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। इसलिए मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह चली गई थी आज कि चलो बच्चों को इतनी इच्छा है, करने का मन है, तो फटाफट और उनकी देखभाल भी करेंगे तो उन्हें पता भी चलना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं लेने फटाफट सुबह सुबह चली गई थी। तो आज बस आज मैं घर पर अकेली ही थी, हस्बैंड जी भी चले गए थे और बच्चे भी चले गए थे, तो मैंने कहा आज अपनी अलमारियाँ सही कर लेती हूँ मैं, तो बस इन काम में लगी थी। साथ में मैं टीवी भी देख रही थी अपना, कि टाइम पास भी हो जाएगा और अपने कपड़े अपने भी तय हो जाएंगे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप भी अपने टाइम पास में क्या क्या चीज़ें करते हैं, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। धीरे धीरे मैं अपने ब्लॉग में कई गलतियाँ जो कर रही हूँ वो सब सही करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या क्या सही करना चाहिए आगे इन ब्लॉगों में। और आपको आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखेंगे, ट्रैवल ब्लॉग भी दिखेंगे मेरे, तो आप लोग देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे मैं रूम से कपड़े लेकर आ गई थी दूसरे रूम पे, और धीरे धीरे मैंने सारे कपड़े अपने बेडरूम में पहुँचा दिए थे, वहीं मेरी अलमारी लगी हुई है और मैं वहीं उनको रखूँगी उनकी जगहों पर। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे के कपड़े उसके ड्रॉअर में रखे, तो बेटे के कपड़े भी बहुत थे तो मैंने उनके ड्रॉअर में रखे, उसके बाद बेटी के रखे, फिर अपने, फिर हस्बैंड जी के, और फिर जितने भी पर्दे थे और बेडशीट कवर थे वो सब रख दिए थे। तो बस गैस औरतों का तो यही काम होता है, घर को नीट एंड क्लीन रखना, और कुछ टाइम हो तो कोई कोई चीज़ें करते रहना। बच्चों को स्कूल लेने, उनका भी टाइम हो गया है, फटाफट उनको स्कूल से लेकर आती हूँ, फिर हम लोग खाना खाएंगे। आप बोलोगे इतना पाउडर क्यों लगा रखा है, अरे बहुत ही गर्मी हो रही, चिपचिप वाली गर्मी हो रही है ना, इसलिए इतना पाउडर लगा दिया मैंने। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो यहाँ पे सारे कपड़े डन हो चुके हैं और मैंने सारे कपड़े तय कर लिए हैं और सबके कपड़े अलग अलग रख दिए थे। इनके बाद मैं इन्हें ना अलमारी में लगा दूँगी फटाफट जाके, जिनकी जहाँ पे जगह है वो कपड़े वहाँ रख दूँगी। तो इतने कपड़े मैंने आज तय करे और इनको अब मैं रखने जा रही हूँ अलमारी में। ये है बेटे का ड्रॉअर, इसमें मैं सबसे पहले बेटे के कपड़े रख देती हूँ क्योंकि उसी की अलमारी शुरू करें, क्योंकि उसी के कपड़े हो रहे थे, तो सबसे पहले मैंने उसी के कपड़े रख दिए। उसके बाद मैंने बेटी के, हस्बैंड के और अपने कपड़े
और जो डेली यूज़ की बेड शीट वेड शीटें ये सब भी रख दिए। तो बस मेरा आज का काम